नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य पर 80 लाख रुपए गबन करने की जांच शुरू। जांच कमेटी के सवालों से बेहोश हुए लेखापाल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू। पोस्टमास्टर ने ठगों से सतर्क रहने की अपील। नाथनगर एक्सचेंज से बैटरी चोरी कर बेचने के आरोपी एसडीओ गिरफ्तार। बीएसएनएल जीएम के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। सूबे के अधिकारियों से की बात। और एसएम कॉलेज में सैनिटाइजिंग टनल का कुलपति ने किया शुभारंभ। कहा, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी पर वित्तीय अनियमितता में लगे आरोप की जांच शुरू हो गई है। वहीं बुधवार को प्राचार्य पर लगे आरोप की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी कॉलेज पहुंची और कॉलेज द्वारा दिए गए मूल अभिलेखों का मिलान किया। इस दौरान कमेटी ने कॉलेज के लेखापाल प्रकाश पाठक से पूछताछ की और कई सवाल पूछे। इसके बाद कमेटी के डॉक्टर योगेंद्र महतो, एफए पद्मकांत झा और राजीव रंजन ने एसओ से जांच में सहयोग करने की बात कही। वहीं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सुशील मंडल और नवनीत कुमार झा ने जांच कमेटी पर लेखापाल प्रकाश पाठक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिक्षकेतर संघ से जुड़े अधिकारियों ने कुलपति को आवेदन देकर जांच कमेटी पर जयप्रकाश गुप्ता और प्रकाश पाठक को मानसिक रूप से परेशान करने की शिकायत की है। टीएनबी के कर्मियों ने बताया कि जांच समिति की बेरुखी के कारण लेखापाल बेहोश हो गया। वहीं जांच कमेटी के डॉक्टर योगेंद्र महतो ने बताया कि हमारे सामने कोई कर्मी बेहोश नहीं हुआ है और न ही समिति से जुड़े किसी सदस्यों ने कर्मचारी को प्रताड़ित किया है। डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि जांच को प्रभावित करने के लिए बेहोशी का नाटक किया गया। हम आपको बता दें कि प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी पर कॉलेज के पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने 80,40,000 रुपये गबन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्राचार्य पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की। आज जांच कमेटी के द्वारा जो है बहुत सारा प्रश्न पूछ करके जांच करके कौन कौन आए थे जांच कमेटी में? जोगिंदर बाबू थे, एफ ए थे और एक ऑडिटर थे। विभिन्न तरह से प्रश्न पूछ कर हमारे एसओ को छोड़कर किया गया। जो अकाउंटेंट भी है, अकाउंटेंट के भी परिवार में है, उनको जो है गश्त लग गया। वो बीपी के पेशेंट भी थे, उनको गश्त लग गया, वो बेहोश हो गए और गिर पड़े। उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ से गाड़ियाँ बुला कर ले जाया जा रहा है। मतलब बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित किए जो नहीं करना चाहिए। कौन प्रताड़ित किए? जोगिंद्र प्रताड़ित किया गया। खामखा प्रताड़ित? किस टाइप का प्रताड़ित? जिस कागज है तो आप कागज मांग डिमांड कीजिए, कागज के चेक कीजिए। वहाँ ये क्यों रहेंगे, इनको क्यों प्रताड़ित कीजिएगा? कागज चाहिए आपको, कागज डिमांड कीजिए। प्रताड़ित करने वाले आप कौन होते हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने के नाम पर भागलपुर में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। IPPB में खाता खुलवाने की जल्दबाजी लोगों को महंगी पड़ने लगी है। दरअसल भागलपुर के प्रधान डाकघर समेत जिले के कई डाकघरों में लोगों का निःशुल्क खाता खोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जल्द खाता खुलवाने के लिए साइबर कैफे संचालक या दलालों के संपर्क में आ रहे हैं, जिसका फायदा दलाल उठा रहे हैं। प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने बुधवार को बताया कि प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने उनसे डाक कर्मी के नाम पर खाता खोलने और ठगी की शिकायत की है। पोस्टमास्टर ने कहा कि शहर के कुछ शातिर युवा अपने को डाक विभाग का कर्मचारी या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कर्मी बताकर फर्जी रसीद एवं कूपन देकर लोगों से ठगी कर रहा है। पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने ठगों की सूचना पुलिस या डाक विभाग को देने की अपील लोगों से की है। अभी सर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष आए हुए थे, पता चला प्रवृत्ति से। उन्होंने बताया उनके पास एक कागज पर हम लोग जो रिसीट देते हैं उसी का डुप्लीकेसी करके उस पर वो खाता खोलता नहीं, मेरा कोई आदमी नहीं है डाकघर का, और सबसे पैसा लेकर के वो भाग जा रहे हैं, यानी फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि जब भी खाता खुलाएं मेरे डाक कर्मी से खुलाएं, डाक घर में आके खुलाएं, किसी भी फ्रॉड में पड़े नहीं। अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 9661
आप इस पर सीधे हमको फोन करके ऑथेंटिकेट करा लें कि वो सही आदमी है कि गलत आदमी है। BSNL एक्सचेंज से लाखों की बैटरी चोरी मामले में ललमटिया पुलिस ने BSNL के पूर्व SDO फोन्स राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व SDO राकेश कुमार रंगरा बनिया चक्के रहने वाले हैं, जिसे पुलिस ने नाथनगर BSNL एक्सचेंज से 48 बैटरी गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक्सचेंज के वर्तमान SDO फोन्स अर्धनेंदु कुमार ने 15 मई को पूर्व SDO राकेश कुमार के खिलाफ नाथनगर थाने में FIR दर्ज कराया था। ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि बैटरी चोरी मामले में पूर्व SDO को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि SDO द्वारा करीब 7 लाख की 48 बैटरी चोरी कर गायब कर दिया गया था। फिलहाल आरोपी SDO से पूछताछ जारी है। वहीं मामले को लेकर BSNL के महाप्रबंधक महेश कुमार ने कहा कि बैटरी गायब होने की सूचना पर विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें अनियमितता पाने के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और कोर्ट खुद ही न्यायसंगत कार्रवाई करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के सभी जिलाधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क का उपयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। CM ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के अलावा विभिन्न योजनाओं में तेजी से पूरा कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के कारण आम लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव हुआ है और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक आवश्यक सुरक्षा निर्देश का पालन करते हुए जनजीवन को सामान्य बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे राज्य विकास की ओर बढ़ सके। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में ऑटोमेटिक टनल मशीन लगाया गया। टनल मशीन का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी और कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मियों ने खुद को सैनिटाइज किया। वहीं कुलपति ने लगभग 45,000 की लागत से लगाए गए फुल्ली ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग स्मार्ट मशीन की जानकारी प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर से ली और कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह, DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक सिंह और विश्वविद्यालय के अभियंता मोहम्मद हुसैन का पौधा देकर स्वागत किया। वहीं कुलपति ने कहा कि COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी दिशा निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मौके पर प्रोफेसर रमन सिन्हा, डॉक्टर तबरसुम, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षक और कर्मी मौजूद थे। देखिए, ये कुछ फायदे ऐसे होते हैं ना जो क्वालिटेटिव फायदा होता है, कुछ फायदा होता है क्वांटिटेटिव। जैसे आपने 1,000 लगाया तो आपको 2,000 मिला, ये फायदा ऐसा है कि अपेरेंटली नहीं दिखेगा लेकिन इसकी दूरगामी बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्योंकि आजकल कोरोना, अब तो ये भी सरकार ने भी मान लिया और हम लोग देख भी रहे हैं कि कोरोना के साथ ही रहना है, तो कोरोना के साथ रहना है तो कोरोना से लड़ाई लड़नी है, अपने आप को बचा के रखना है, वही एक साधन है। ऐसा नहीं है कि कोरोना अगर है तो अगर हम कोरोना को पकड़ने नहीं जाएंगे ना वो हमको पकड़ने आ रहा है। थोड़ी उसके लिए जो भी सावधानियाँ बरतनी है वो बरतनी होगी हम लोग के। उसी में एक ये भी है कि जितने हमारे लोग, चाहे हमारे टीचर नॉन टीचर जो भी जितने लोग आते हैं, इवन हम और आप भी आएंगे तो उसके थ्रू आएंगे, उस टनल के थ्रू आएंगे, जिससे कि अपनी पूरी बॉडी उनकी डिसइंफेक्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में सरकार द्वारा छूट मिलते ही लोगों ने कोरोना के संक्रमण को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप राज्य में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 को पार कर चुकी है। मंगलवार को सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा प्रवासियों को भागलपुर लाने के बाद जिले में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। बता दें कि ताजा अपडेट के अनुसार बुधवार को भागलपुर में 4 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। चारों मरीज नवगछिया के नारायणपुर से हैं। जिले में लगातार कोरोना के मामले मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 195 हो चुकी है। इसके साथ ही राहत भरी खबर यह है कि बिहार में कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बिहार में अब तक 1803 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 62 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक।
जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर BSNL NFTI यूनियन कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने BSNL में हो रही अनियमितता को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। सुनील सिंह ने मंगलवार को BSNL के SDO राकेश कुमार पर बैटरी चोरी मामले में ललमटिया थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और BSNL के उच्च अधिकारियों से BSNL में हो रही अनियमितता की जांच कराने की मांग की है। सुनील सिंह ने कहा कि NFTI द्वारा कई बार पत्र देकर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से बैटरी एवं अन्य सामग्रियों की चोरी की जांच की मांग की गई है। साथ ही BSNL के उच्च अधिकारियों से लंबे समय से एक ही जगह पदस्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर करने की भी मांग की गई। हम पहले अपने यहाँ के पुलिस पदाधिकारी को और अपने बड़े पदाधिकारी को साधुवाद देना चाहते हैं कि ये अच्छा पहल शुरू किए कि इन्होंने SDO को पकड़वाया और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे बड़े बड़े हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी 10-15 बरस से जमे हुए हैं, एक जगह लगातार यहाँ बसे हुए हैं और ऐसा सब चोरी हुआ है जिसका अगर जांच हो
तो वो करोड़ों में पकड़ाएगा। हम इस बात के लिए आपके माध्यम से यह मांग करते हैं अपने विभाग के बड़े पदाधिकारी से और पुलिस प्रशासन से भी कि जो विगत दो चार दस वर्ष के अंदर में जितना FIR हुआ है अगर उसका सही से जांच हो जाए तो यह करोड़ों करोड़ में घोटाला में पकड़ाएगा। भागलपुर नगर निगम में टैक्स जमा करना अब लोगों के लिए काफी आसान हो गया है। वैश्विक महामारी के दौरान टैक्स जमा करने में लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने एक लैंडलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है। वहीं नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि होल्डिंग्स टैक्स जमा करने के लिए लोग दूरभाष संख्या 0641-230-2035 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी taxcollectionbmc@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद निगम के तहसीलदार घर घर जाकर टैक्स लेंगे। चूंकि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुआ है, ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का संसाधन अच्छी हो इसके लिए और लोगों को जो टैक्स के पे करना होता है उसमें बहुत सारे काम उनके निकलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ नंबर जारी किया है और एक ईमेल क्रिएट किया है और पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी जनता को जागृत करना चाहते हैं कि वो इसका सहारा करके यदि उनको टैक्स कटाना है, टैक्स कटाने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर ईमेल करें या जो नंबर दिया गया है उस पर आप फोन करके अपना नाम पता महल्ला लिखा दें ताकि हम लोग यहां से टैक्स कलेक्टर को भेज सकें। कोरोना की त्रासदी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाके में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के सभी नगर निकाय पंचायत पदाधिकारी एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से बात की। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, महापौर सीमा शाह, DDC सुनील कुमार, उपमहापौर राजेश वर्मा एवं जीप अध्यक्ष आरती कुमारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने विकास कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचाव के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा, साथ ही जन जन तक जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना को मात दी जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्र में भी मास्क एवं साबुन का वितरण कराया जाएगा। साथ ही कहा कि किसी को कोरोना संदिग्ध का पता चले तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल तक पहुंचाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। वहीं 5 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारी पूरे कैंपस में पौधा लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए TMBU प्रशासन ने NSS के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपो महतो को कई दिशा निर्देश दिया। वहीं कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस बार पर्यावरण दिवस पर सभी कॉलेजों और PG विभागों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इधर पर्यावरण दिवस को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 5 जून को TMBU कैंपस में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। रजिस्ट्रार ने कहा कि पौधा लगाने के बाद इसकी देखभाल भी की जाएगी। पूरे देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर ICDS विभाग के द्वारा जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं उनके परिजनों को जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को नाथनगर प्रखंड के चंपानगर विशहरी स्थान चौक स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर भागलपुर के CDPO सुमन चंद्रा ने सभी बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया। साथ ही कोरोना संक्रमण न फैले इसको लेकर हाथ धोने के लिए सभी के बीच डेटॉल एवं साबुन का पैकेट भी वितरित किया गया। इस दौरान CDPO सुमन चंद्रा ने बताया कि विभाग के निर्देश पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही घर घर जाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील भी की जा रही है। मौके पर आंगनवाड़ी सेंटर की सेविका अर्चना कुमारी सहित गांव के कई लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोग एवं कई सामाजिक संगठन भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को अभियान नारी सशक्तिकरण सोसाइटी की ओर से मिर्जान हाट इसाकचक स्थित जुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान वार्ड संख्या 48 की पार्षद कल्पना देवी ने कहा कि जुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, इसीलिए उनके बीच साफ सफाई बनाए रखने के लिए सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार शाह सहित संस्था के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच अखिल भारतीय माड़वाड़ी युवा मंच प्रवासी मजदूरों की सहायता कर रहा है। भागलपुर शाखा की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों को स्टेशन पर फूड पैकेट और बोतल बंद पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
भागलपुर शाखा की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों को स्टेशन पर फूड पैकेट और बोतल बंद पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मड़वाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष अश्वनी जोशी मोंटी ने अपनी टीम के साथ भागलपुर स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। अध्यक्ष मोंटी जोशी ने कहा कि मंगलवार से देश के अन्य राज्यों से प्रवासी को लेकर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय मड़वाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा द्वारा देश के अंदर जो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, वो भागलपुर होकर जो ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन में जो यात्रा कर रहे हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके लिए मड़वाड़ी युवा मंच द्वारा श्रमिक भाइयों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई थी और पानी के साथ हमने जो 1500 यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उन सभी 1500 यात्रियों को हमने फूड पैकेट बनाकर अपने हाथों से वितरण किया है। जो लॉकडाउन के दौरान समाज के युवा वर्ग के साथ कई सामाजिक संगठन आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, इसी को लेकर नाथनगर के युवा समाज से भी विजय यादव द्वारा लगातार जरूरतमंदों को आर्थिक मदद एवं राशन मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व इशाक चक के सर्व मंगला काली मंदिर के समीप आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दाह संस्कार के पैसे नहीं होने के कारण परिजनों ने शव को घर के आंगन में ही दफन कर दिया था। इसकी खबर मीडिया में आने के बाद समाजसेवी विजय यादव ने मृतक के घर जाकर पूरे श्राद्ध में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतक का दाह संस्कार करवाया गया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य पर 80 लाख रुपए गबन करने की जांच शुरू, जांच कमेटी के सवालों से बेहोश हुए लेखापाल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू, पोस्टमास्टर ने ठगों से सतर्क रहने की अपील। नाथनगर एक्सचेंज से बैटरी चोरी कर बेचने के आरोपी एसडीओ गिरफ्तार, बीएसएनएल जीएम के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जागरूकता अभियान की शुरुआत, सूबे के अधिकारियों से की बात। और एसएम कॉलेज में सैनिटाइजिंग टनल का कुलपति ने किया शुभारंभ, कहा कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।